गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल बी लर्न क्लास 7 साइंस चैप्टर 2 एक्सरसाइज। हमें आपको स्टडी करना है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हमें आपको जो है इसमें टिक द राइट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। अब देखिए, परीक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बेटा, टिक द राइट ऑप्शन पेपर में दिया रहता है तो कॉपी में भी क्या करते हैं, सेम यही चीज उतार लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है बेटा। तो परीक्षार्थी को, स्टूडेंट को टेक द राइट ऑप्शन जैसे क्वेश्चन को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, केवल नंबरिंग कर लेंगे। जैसे टेक द राइट ऑप्शन है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बी ओर्स। तो टिक द ऑप्शन में जो पहला क्वेश्चन है, अब इस पहले क्वेश्चन में कौन ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो सही हो उसी को जो है केवल लिखना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं, सब उतार देते हैं एक तरफ से कॉपी में, इससे आप जो है टाइम ज़्यादा लगता है। और समय को बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए, स्टूडेंट को केवल जो है क्वेश्चन नंबर लिख करके कौन सा ऑप्शन सही है उसको लिख करके उसके सामने जो टिक कर रहे हैं उसको भी लिख दें। यही अब क्या होता है, तरीका होता है। तो हम देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स आप जानते हैं बेटा, शाकाहारी आप जानते हैं, एनिमल्स ईट ओनली प्लांट, एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स। जानवर जो केवल पौधे को खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, वे क्या कहलाते हैं बेटा, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें लायन दिया गया है पहला ऑप्शन, ए, बी दिया गया है गोर, सी दिया गया है ईगल, डी दिया गया है लिजर्ड। तो आप देख रहे हैं जो हर्बीवोर्स है बेटा, इसमें आप कर पाएंगे गोट, टिक कर देंगे इसे गोट। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर एलिमेंट्री कैनाल, आपको बताया गया था जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जनरली आप जानते हैं बेटा माउथ टू एनस, बोथ एंड माउथ टू एनस, मुख से लेकर गुदा तक फैली होती हैं। और जब हम आप लोग क्या करते हैं, सॉलिड फूड मटेरियल को लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ लेते हैं बेटा, मुख में लेते हैं, मुख में कहते हैं अंतर ग्रहण करते हैं या मुख में निगलते हैं। मुख में आप जानते हैं बेटा टीथ पाए जाते हैं, और उन टीथ की सहायता से हम आप क्या करते हैं, सॉलिड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं बेटा, चबाते हैं। तो इसका मतलब आप यह समझ गए होंगे कि जो भोजन हम आप लेते हैं, भोजन का पाचन जो है बेटा मुख से ही शुरू हो जाता है, कहाँ से, मुख से शुरू हो जाता है। तो आप यहाँ बता सकते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन, भोजन का पाचन शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है बताएंगे बेटा, ए ऑप्शन दिया गया है स्टमक, गलत है, बी इसोफेगस, ये भी गलत है, सी दिया गया है माउथ। तो मुख से क्या होता है बेटा, भोजन का पाचन शुरू होता है, और डी दिया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, छोटी आंत, इसे आप क्षुद्रांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, राइट द ऑप्शन में, टिक द राइट ऑप्शन में देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेट द टीथ इज आल्सो कॉल्ड। तो देखिए बेटा, टीथ की बात आ रही है, जनरली आप जानते हैं कि दांत जो होते हैं बेटा, जनरली
जो एडल्ट होते हैं इनमें चार प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जिसे कृंतक, रदनक, अग्रचवाणक और चवाणक के नाम से जानते हो। एडल्ट में जो होता है आप बता सकते हैं दांत के चार प्रकार होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जनरली आपको यह बताना है कि दांत साधारणतया दो टाइप्स के होते हैं, एक आप बता सकते हैं परमानेंट टीथ और एक आप बता सकते हैं टेम्पोरेरी टीथ। जो परमानेंट टीथ होता है उसे हम आप लोग अस्थाई दांत कहते हैं और जो टेम्पोरेरी टीथ होता है उसे हम आप लोग अस्थाई दांत कहते हैं, और इसी अस्थाई दांत को हम आप लोग मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं? मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं बेटा। तो आइए, फर्स्ट सेट द टीथ इज आल्सो कॉल्ड, जो दांत का जो पहला सेट होता है आप बता सकते हो क्या होता है? मिल्क टीथ होता है बेटा, इस पर आप टिक कर देंगे। पहला दिया प्राइमरी टीथ, सेकंड मिल्क टीथ, और तीसरा आल ऑफ दीज, और चौथा दिया है नॉन ऑफ दीज। तो आप बता सकते हैं मिल्क टीथ। चौथा देखेंगे, फीसेस आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू। देखिए आप जानते हैं कि जब क्या होता है बेटा, संपूर्ण भोजन का क्या होता है, डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन होने के बाद आप जानते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, जब बचे रहते हैं तो जनरली क्या होते हैं, एनस के थ्रू क्या होते हैं, आउटसाइड में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं, फिशेस आर स्पिल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू, वेस्ट मटेरियल को जो है आउटसाइड में थ्रो किया जाता है, किसके थ्रू? आप देख रहे हैं, पहला दिया है ए विलाई, यह राइट फॉल्स है, बी लीवर, यह भी फॉल्स है, सी रेक्टम, यह भी फॉल्स है, डी एनस गुदा। तो गुदा के द्वारा हम आप लोग क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड में थ्रो करते हैं। इसके बाद पांचवा है बाइल इज प्रोड्यूस बाई। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर बेटा कंफ्यूजन होते हैं, जो बाइल होता है आप जानते हैं इसका मतलब पित्त, और पित्त जो होता है जनरली सिक्रीट होता है लीवर के थ्रू, आपको बताया गया था। और यह जो पित्त होता है पित्ताशय में अर्थात गाल ब्लैडर में क्या होता है, कलेक्ट होता है, गाल ब्लैडर पित्ताशय में सज्जित होता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, गाल ब्लैडर द्वारा क्या कहते हैं, पित्तरस का श्रावण लिख देते हैं, लेकिन आप बता सकते हैं पित्तरस का जो श्रावण होता है जनरली किसके द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। तो आप यहां बताएंगे बाइल इज प्रोड्यूस बाई, फर्स्ट ऑप्शन गाल ब्लैडर दिया है, बी दिया गया है पैंक्रियाज, सी दिया गया है लीवर। तो आप ये बता सकते हैं लीवर के द्वारा क्या होता है बेटा, बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। देखिए बेटा, अब इसके बाद हमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भरना है, फिल इन दी ब्लैंक्स। देखिए पहला आप देखेंगे बेटा इसमें अमीबा इनगल्फ टीनी पार्टिकल्स ऑफ फूड बाय थ्रोइंग इट्स फॉल्स फीड नोन एज। आप इसका मतलब ये समझेंगे बेटा, अमीबा भोजन को ग्रहण करता है फॉल्स फीड द्वारा, तो उसे किस नाम से हम आप लोग जो है जानते हैं? तो कहने का मतलब यह है अमीबा छोटे या सूक्ष्म कणों को जो है फॉल्स फीड द्वारा क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसका नाम क्या होगा या उसे हम आप लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? आप क्या बताएंगे यहाँ पर, स्यूडोपोडिया। क्या बताएंगे? स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया मीन्स आप समझ फॉल्स फीड ही होता है, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीड, फॉल्स फीड आप कहेंगे अर्थात कूटपाद, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कूटपाद बोलेंगे, ठीक। सेकंड आप देखेंगे बेटा, इन मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई माउथ इज मॉडिफाइड इनटू। तो इसका मतलब यह है मॉस्किटो और बटरफ्लाई में मुख का जो रूपांतरित भाग है उसे हम आप लोग किस नाम से जानते हैं, उसका नाम है बेटा प्रोबोसिस। क्या बताएंगे? प्रोबोसिस बताएंगे, प्रोबोसिस।
क्या बताएंगे? प्रोबोसिस बताएंगे, ठीक, S I S प्रोबोसिस बोलेंगे, ठीक। अगला देखेंगे द मूवमेंट ऑफ मसल्स ऑफ ओसोफेगस टू पुश द फूड डाउन टू द स्टमक इज कॉल्ड, तो आप यहां ये बता सकते हैं बेटा द मूवमेंट ऑफ मसल्स ओसोफेगस ग्रास नाल मांसपेशियों की बनी होती है आप जानते हैं, और इसमें भोजन खिसकते हुए या फिसलते हुए स्टमक में आता है, तो उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, क्रमानुकुंचन कहते हैं, इसे पेरिस्टाइलिसिस बोलेंगे, पेरिस्टाइलिसिस बोलेंगे इसको, ठीक। इसके बाद एसिड इज रिलीज बाय द स्टमक, स्टमक के द्वारा कौन सा अम्ल स्रावित होता है या मुक्त होता है, इसका नाम जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl बोलेंगे, ठीक। द पार्शियल डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूइंग अगेन By ruminant is called, तो कहने का मतलब यह है बेटा partially digested, जिसका कहने का मतलब कि आंशिक पाचन, भोजन का आंशिक पाचन होता है, that is chewing again by ruminants, ruminants में के द्वारा भोजन का आंशिक पाचन होता है is called, आप यहां बता सकते हैं कड, क्या बोलेंगे बेटा, कड। लास्ट देखेंगे Most animals and human beings digest. Most animals and human being cannot digest. Sorry, यहाँ गलत हो गया था. Beings cannot digest cellulose. आप कह सकते हैं. ठीक, यह रहा आपका जो बेटा फिल द ब्लैंक्स। इसके बाद मैच द फॉलोइंग या मैचिंग वर्ड्स आप देखेंगे इसके बाद, ठीक। नेक्स्ट आप देखेंगे बेटा मैच द कॉलम्स, कॉलम ए का मिलान कॉलम बी में आपको करना है, मैचिंग करना है, तो मैचिंग करने के लिए आप देखेंगे बेटा कॉलम ए और कॉलम बी लिख लेंगे, कॉलम ए में जो वर्ड है उसको लिखेंगे और कॉलम बी में भी जो वर्ड है उसको लिखेंगे, कॉलम ए का मिलान आपको कॉलम बी से करना है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले देखते हैं, कॉलम ए में पहला दिया गया है ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या दिया गया बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आप यह जानते हैं बेटा यह छोटी आंत कहलाती है, जिसे आप क्षुद्रांत के नाम से जानते हो। अब यह जो क्षुद्रांत है इसको मिलाना है कॉलम बी में, अब कॉलम बी में कौन सा वर्ड जो है इससे मैच कर रहा है या कौन सा पॉइंट वही लिखना है। आप देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड, भोजन का पाचन व अवशोषण जनरली आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, इसलिए कॉलम ए का जो पहला ऑप्शन है पहला पॉइंट है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कॉलम बी के तीसरे पॉइंट से मिलान करना है ऐसे, ठीक। इसके बाद दूसरा देखते हैं बाइल, बाइल मीन्स आप जानते हैं पित्त होता है, क्या होता है पित्त होता है। अब ये देखेंगे कि जो बाइल होता है ये जनरली जो है बेटा स्रावित होता है किसके द्वारा, लीवर द्वारा, आपको बताया इसके पहले, तो इस दूसरा कॉलम ए का जो दूसरा पॉइंट है बाइल यह जनरली सिक्रीट होता है लीवर द्वारा, तो आप कॉलम बी के पांचवे पॉइंट से मिलान करेंगे, पांचवा डाइजेस्टेड डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय लीवर, लीवर के द्वारा आप जानते हैं पित्त रस का या डाइजेस्टिव जूस का श्रावण होता है, पाचन रस का श्रावण होता है। अब देखेंगे तीसरा एनस, क्या देखेंगे बेटा एनस देखेंगे, अब देखिए जो एनस होता है यह वेस्ट मटेरियल को आउटसाइड में रिलीज करता है, तो तीसरा जो है आप लाएंगे कॉलम बी के छठे पॉइंट्स में,
रिलीज ऑफ फीसेस। इसी प्रकार स्टमक चौथा पॉइंट है स्टमक, इस चौथे पॉइंट का मिलान कॉलम बी के पहले पॉइंट से मिलाएंगे, यह जनरली जे लाइक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। पांचवा देखेंगे र्यूमेन, तो र्यूमेन आप जानते हैं रूमिनेंट्स, रूमिनेंट्स जनरली क्या करता है वह ग्रास को स्ट्रा भूसा को ये सब खाता है और उसका पाचन क्या करता है एक बार में नहीं होता है, तो वही चीज आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जुबाली करने वाले जानवर, तो इसका जनरली हम आप मिलाएंगे किससे बेटा पार्ट ऑफ स्टमक इन ग्रास ईटिंग एनिमल, तो चारा खाने वाले या घास खाने वाले जानवर को ही हम आप क्या बोलते हैं र्यूमेन बोलते हैं। तो इसलिए आप पांचवा जो है कॉलम ए का जो पांचवा पॉइंट र्यूमेन है कॉलम बी के चौथे पॉइंट से मिलान करेंगे। लास्ट देखेंगे सिक्स इंजेशन, इंजेशन मीन्स आप जानते हैं अंतर्ग्रहण, टेकिंग इन द फूड मतलब भोजन का को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है इंजेशन कहलाता है। ये आप देखेंगे बेटा मैचिंग द वर्ड या मैच द वर्ड हो गया, तो ये आप देख रहे हैं बेटा एक्सरसाइज चैप्टर टू की जो है समाप्त हो गई है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम की जो है तैयारी करेंगे और इस टॉपिक को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।